नमस्कार दोस्तों, यदि आप राजस्थान सिटी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। राजस्थान सिटी रिजल्ट को लेकर कुछ अपडेट निकाल के आ रहा है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और ज्यादातर जो मेरे पास कमेंट कर रहे थे लगभग सभी को आपको जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों मेरे पास ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि अभी तक राजस्थान सिटी का रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान सिटी का रिजल्ट कब आएगा। और बहुत यूट्यूबर वाले आपसे बोल रहे भी हैं कि आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, आज इतने बजे रिजल्ट है वो आ जाएगा, आज शाम को आ जाएगा, कल सुबह आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनको किसी को भी अभी कोई पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, तो फिर कैसे बता रहे हैं ये दोस्तों? सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं, सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं, पागल बनाकर दोस्तों व्यू लिए जा रहे हैं जिससे थोड़े बहुत इनको पैसे मिल जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे आप ध्यान क्यों दे रहे हो? बहुत मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मैंने पहले बोल दिया था, चेयरमैन साहब ने बोला था 20 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर कब आएगा किसी को कोई पता नहीं है। तो जो यूट्यूबर वाले आपसे बोल रहे हैं ना कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज शाम को आ जाएगा, इनको एक को भी पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, सिर्फ ये दोस्तों फेंक रहे हैं। और मैं फेंकता नहीं हूं दोस्तों। जब दोस्तों कोई इनसे बोलता है कि आपके पास खबर कैसी आई कि आज रिजल्ट आएगा या फिर कल रिजल्ट आएगा, तो ये बोलते हैं कि ऊपर से खबर आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे पास दोस्तों कोई ऊपर से खबर नहीं आती, न हमारा कोई जानकार है, सिर्फ हम जो आपको बताते हैं, जो भी न्यूज निकल के आती है वो न्यूज ही मैं आपको बताता हूं। जैसे चेयरमैन साहब ने दोस्तों एक इंटरव्यू में बोला था कि 20 तारीख के आसपास है वो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, तो मैंने भी आपको बता दिया कि 20 तारीख के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज कितनी तारीख हो चुकी है दोस्तों? 20 से ज्यादा हो गई, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने आपको बता दिया है रिजल्ट है, मुझे लगता है इसी महीने में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दोस्तों, ऐसे लोगों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आप वीडियो उनकी देखते क्यों हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, हर 3 से 4 घंटे में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वीडियो में थंबनेल पे लिखते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, थोड़ी देर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और एक ही बात है दोस्तों, आज रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, आज शाम को आ जाएगा, कल सुबह आ जाएगा। ऐसे करते करते बहुत यूट्यूबर वाले हैं जिन्होंने अब तक दोस्तों राजस्थान ग्रेजुएशन लेवल सिटी का रिजल्ट है वो 10 से 15 बार जारी कर दिया है। जो डेट बता रहे हैं ना वो डोर दोस्तों निकलती जा रही है। तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं दे रहा है। और जो भी दोस्तों यूट्यूबर है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को गुमराह मत करो, आप ऐसे वीडियो मत बनाओ। ऐसे वीडियो से क्या होगा दोस्तों, थोड़े बहुत आपको व्यू मिल जाएंगे, थोड़े बहुत आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आगे आपकी वीडियो कौन देखेगा? आपका जैसे ही दोस्तों कोई नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का, तो कोई नहीं देखेगा, सबको लगेगा कि ये फेक न्यूज बनाते हैं, ऐसे ही दोस्तों वीडियो बनाता रहता है, तो आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, ऑथेंटिक न्यूज दो। यदि आपको पता ही नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, तो बच्चों को गुमराह मत करो। आप बोल सकते हो जो भी आपके पास न्यूज है उस न्यूज के हिसाब से आप बोल सकते हो कि इसी महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये दोस्तों चेयरमैन साहब ने बोला है कि हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कर देंगे, तो आप बच्चों को ऐसे ही बोलो कि जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को गुमराह मत करो, और बच्चे भी ऐसे चैनलों पे जाके वीडियो मत देखो जो बेवकूफ बनाते हैं दोस्तों। जो ऑथेंटिक चैनल है उन्हीं पे जाके देखो। अब दोस्तों मेरे पास आप कमेंट करोगे तो फिर रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने पहले बोल दिया था मुझे लगता है रिजल्ट है वो अप्रैल के अंत तक है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल सिटी का रिजल्ट है वो ही आएगा अभी इसके बाद में दोस्तों, मई में आपका 12th लेवल सिटी का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले ही आपसे बोल रखा है कि जून और जुलाई 2 महीने ऐसे आने वाले हैं जिसमें राजस्थान के अंदर बंपर पदों पर भर्ती आने वाली है, तो तैयारी करते रहो। इसके अलावा बहुत ये भी पूछेंगे कि सीट की कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, तो सीट की कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में आपको टेंशन है नहीं लेनी है। अब टेंशन लेके आप क्या करोगे, थोड़े बहुत भी नंबर बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत कम भी बढ़ रहे हैं, तब भी आप तैयारी करते रहो, और रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि आपके थोड़े बहुत कम नंबर भी बन रहे हैं, फेल भी हो जाते हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो फिर टेंशन क्यों लेते हो? बिंदास रहो, खुश रहो और तैयारी करते रहो, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।